Assalamualaikum my dear kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. I'm your general awareness teacher. Open your general awareness book and go to the page number 32. Bacho, apni general awareness wali book nikalo aur page number kya hai? 32. हम क्या आज हमको क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जो किसके बारे में, स्कूल के बारे में. स्कूल बैग, मेरे स्कूल का जो बस्ता है. व्हाट डू यू टेक टू स्कूल, टिक. बच्चों जो जो चीज़ें आप स्कूल लेते हो उन चीज़ों को हमको टिक करना है, राइट. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं, अब हमको उसी को टिक करना है जो हम स्कूल साथ लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे डॉल. क्या आपको पता है डॉल का कोई यूज़ होता है स्कूल में? नहीं, क्योंकि हम स्कूल में खेलने की चीज़ें नहीं लेते हैं, तो हम डॉल को टिक नहीं करेंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज कार. क्या आप कार लेते हो स्कूल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कार नहीं लेते, तो हम इसको भी टिक नहीं करेंगे. फ्लावर वास. क्या आप फ्लावर वास लेते हो स्कूल? गमला लेते हो? बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो हम इसको भी टिक नहीं करेंगे. उसके बाद है मोबाइल फोन. स्कूल में मोबाइल फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हमको क्या करना है मोबाइल फोन को, तो हम मोबाइल फोन नहीं लेंगे स्कूल, और इसका भी यूज नहीं होता, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज टूथपेस्ट. क्या हम टूथपेस्ट लेते हैं स्कूल? नहीं, क्योंकि हम सवेरे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम ब्रश करते हैं, तो हम स्कूल पेस्ट नहीं लेते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज कॉम. कॉम तो हम घर पे ही करते हैं, तो हम इसको भी टिक नहीं करेंगे, हम स्कूल नहीं लेते. इसके बाद है बास्केट. बास्केट जो होता है इसका भी स्कूल का कोई यूज नहीं होता, ये हम घर में जरूरत पड़ती है, तो इसको हम टिक नहीं करते हैं. इसके बाद है क्रियांस. आप तो क्रियांस लेते हो स्कूल, क्योंकि कलर्स, कभी कभी आप पेंटिंग करते हो तो उसके लिए कलर्स का यूज होता है, तो हम स्कूल जो क्रियांस होते, कलर्स होते, वो हम लेते हैं, इसको हम टिक करेंगे. किसको करेंगे टिक? क्रियांस को, राइट. नेक्स्ट वन इज स्कूल बैग. जो बैग है जो हम स्कूल लेते हैं, ये तो हम स्कूल लेते हैं बच्चों, इसको हम टिक करेंगे बैग. उसके बाद है बॉटल. बॉटल में हम पानी रखते हैं, हमको प्यास लगती है, तो हम बॉटल का भी यूज करते हैं, तो हम बैग को भी टिक करेंगे, क्रियांस को भी टिक करेंगे, और बॉटल को भी टिक करेंगे, जो वाटर बॉटल होती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज बुक्स. हाँ, बुक्स हम लेते हैं, चाहे आपकी जनरल अवेयरनेस हो, लिटरेसी स्किल्स हो, न्यूमरेसी स्किल्स हो, बुक्स आप साथ लेते हो, तो हम बुक्स को टिक करेंगे, राइट. उसके बाद है सीजर. ये हम तो बिल्कुल साथ नहीं लेते, क्योंकि इसे हमारा हाथ भी कट सकता है और इसका यूज नहीं होता है स्कूल में, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज पेंसिल. पेंसिल का यूज होता है बच्चों, है ना, क्योंकि हम इसे लिखते हैं, पेज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम पेंसिल से लिखते हैं, तो हम पेंसिल को टिक करेंगे. उसके बाद है इरेजर. ये भी तो हम लेते हैं स्कूल हर दिन साथ, इरेजर को भी हम टिक करेंगे. जब हमको कोई चीज इरेज करना होता है, रब करना होता है, तो हम इरेजर का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज शार्पनर. शार्पनर जो होता है इसका भी यूज होता है, तो हम इसको भी टिक करेंगे. जो बॉटल होती है मिल्क की बॉटल, क्या आप लेते हो साथ? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि हम ये साथ नहीं लेते, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे. लास्ट वन इज ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आप पेंसिल रखते हो, इरेजर रखते हो, शार्पनर रखते हो, ये हम लेते हैं स्कूल, है ना, कलर्स रखते हो, ठीक है. अब आप क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपको घर में सेम उन चीज़ों को टिक करना है जो जो आप स्कूल में साथ लेते हो, ठीक है बच्चों. चलो बस आज के लिए बस इतना ही. सी यू टुमारो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल.